सो गाइज, वैसे तो हमारे गेम के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि काफी यूजफुल है, कुछ सीएस रैंक के अंदर है तो कुछ बीआर रैंक के अंदर है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टॉप 10 बेस्ट कैरेक्टर्स, जिसको अगर आप लोग बीआर रैंक के अंदर रैंक पुश करने के लिए यूज करोगे तो आपका रैंक काफी इजिली पुश हो जाएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक्टिव और पैसिव दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक से बढ़कर एक है, और उनको अगर आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर यूज कर लोगे ना अपने गेम स्टाइल के अकॉर्डिंग, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला कैरेक्टर वो है गाइस हमारी मिशा कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी को यूज करने से आपका ड्राइविंग स्पीड 10% इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही में अगर आप लोग व्हीकल्स के अंदर रहोगे तो वहां पर एनिमी का डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा, मतलब कि आपके ऊपर एनिमी इजीली डैमेज नहीं दे पाएगा। आपको डैमेज देने के लिए उसको प्रिसाइज शॉट मारना पड़ेगा, और अगर वो प्रिसाइजली शॉट लेकर आपको डैमेज देता भी है तो आपके ऊपर 20% डैमेज कम पड़ेगा। और इसके बेनिफिट के लिए आप लोग इस क्लिप के अंदर देखो, यहां पर मेरे पास बाइक है और बाइक का हेल्थ काफी कम है, और सामने बंदा भी है और वो मेरे ऊपर फायर भी कर रहा है, बट क्योंकि मेरे पास मिशा की एबिलिटी है इसलिए उसका डिफॉल्ट एम मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा था और वो मेरे ऊपर डैमेज नहीं दे पा रहा था, और यहां से मैं आसानी से निकल भी जाता हूं। तो ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए आप लोग इसके एबिलिटी को यूज कर सकते हो, और बहुत सारे बंदे सोलो में रैंक पुश करने के लिए या फिर स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए मिशा के एबिलिटी को यूज करते भी है और उनको इसका बेनिफिट मिलता भी है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो यहां पर जब मैं सोलो में रैंक पुश करता था या फिर अभी जब मैं सीरियसली रैंक पुश करता हूं तो मैं मिशा के एबिलिटी को यूज करता हूं, क्योंकि इससे जो रैंक पुश है ना वो काफी इजीली हो जाता है, क्योंकि इसके एबिलिटी को यूज करने से बिना गाड़ी से उतरे ही आप लोग काफी अच्छे किल्स निकाल सकते हो और साथ में पोजीशन पॉइंट भी ग्रैब कर सकते हो, जिससे आपका रैंक काफी इजीली पुश हो जाएगा। तो अगर आपको भी अच्छे से ड्राइविंग करना आता है या फिर आपको रैंक पुश करना है, सीरियसली रैंक पुश करना है सोलो डुओ या फिर स्क्वाड किसी के भी अंदर, तो आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर मिशा के एबिलिटी को जरूर रखना, इसका बेनिफिट आपको 110% मिलेगा। सो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस वुल्फ्रा कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी को यूज करने से अगर आप लोग किल्स करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप एनिमी के ऊपर ज्यादा हेडशॉट डैमेज दे सकते हो, और साथ में जब एनिमी आपके ऊपर हेडशॉट देगा तो आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा। अब इसके एबिलिटी काम कैसे करता है, तो बेसिकली इसके एबिलिटी को यूज करके अगर आप लोग एक किल करोगे तो आपको उसका एक स्पेक्टेटर मिल जाएगा, और हर एक स्पेक्टेटर के साथ आपका 10% हेडशॉट डैमेज बढ़ जाएगा। मतलब कि जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो उसके हेडशॉट के ऊपर 10% ज्यादा डैमेज पड़ेगा, लेकिन जब एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपके ऊपर डैमेज 10% कम पड़ेगा। और ऐसे इसका जो मैक्सिमम एबिलिटी है वो ये है कि अगर आप लोग 3 किल्स निकाल लोगे तो आप एनिमी के ऊपर 30% एडिशनल हेडशॉट डैमेज दे सकते हो, लेकिन जब एनिमी आपके ऊपर हेडशॉट मारेगा तो आपको 30% हेडशॉट डैमेज कम पड़ेगा। और इसके एबिलिटी को यूज करने से अगर आपको अच्छे से हेडशॉट मारना आता है तो आप लोग एनिमी को इजीली वन टैप से या फिर हेडशॉट से खत्म कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी किसी एनिमी के ऊपर हेडशॉट मारोगे तो उसके हेड के ऊपर 30% ज्यादा डैमेज पड़ेगा, मतलब कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब एनिमी आपके ऊपर हेडशॉट मारेगा या फिर वन टैप मारेगा तो आपके ऊपर 30% हेडशॉट डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आप लोग वन टैप से इजीली बच भी सकते हो। तो यहां पर ये जो एबिलिटी है वो फुल मैप के अंदर काफी यूजफुल है, क्योंकि सीएस के अंदर हर राउंड में 3 किल्स करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फुल मैप के अंदर काफी इजी होता है। तो अगर आप लोगों ने 3 किल्स निकाल लिया और आपको अच्छे से हेडशॉट मारना आता है या फिर आप हमेशा वन टैप से मरते हो तो आप लोग इसके एबिलिटी को यूज कर सकते हो, ये आपको फुल मैप के अंदर काफी ज्यादा काम आ सकता है अपने रैंक को इजीली पुश करने के लिए। अब इसके बाद गाइस जो हमारा अगला कैरेक्टर है वो है गाइस राफेल कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी को यूज करने से अगर आप लोग स्नाइपर या फिर मार्क्समैन राइफल, मतलब हमारा AC-80 वुडपेकर वगैरह यूज करते हो, तो उन गन्स के अंदर ऑटोमेटिकली साइलेंसर लग जाता है, जिससे कि एनिमी को आपका लोकेशन नहीं पता चलता है, और साथ ही में उन गन से मतलब स्नाइपर और मार्क्समैन राइफल से अगर आप लोग किसी भी एनिमी को डाउन करोगे तो डाउन होने के बाद वो जल्दी फिनिश भी हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने सामने वाले बंदे को जब एक शॉट मारा तो उसको मेरा लोकेशन नहीं पता था, क्योंकि भाई मेरे पास राफेल की एबिलिटी थी, और इस वजह से भाई देखो वो आकर कहां पर छुपा, बिल्कुल मेरे सामने, जिससे कि मैंने उसको इजीली डाउन कर दिया। और डाउन होने के बाद वो भाई हॉरिजन लाइन यूज करता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास राफेल की एबिलिटी थी तो डाउन होने के बाद उसका जो ब्लीड था वो 90% फास्टर हो गया, मतलब कि वो हॉरिजन लाइन यूज करने से पहले ही खत्म हो गया। तो इसीलिए गाइस अगर आपको अच्छे से स्नाइपर या फिर मार्क्समैन राइफल यूज करना आता है तो आप अपने कॉम्बिनेशन के अंदर राफेल को जरूर रखना, इसके एबिलिटी को यूज करके एक तो एनिमी को आपका लोकेशन अच्छे से पता नहीं चलेगा, और उसके बाद अगर आपने एनिमी को डाउन कर दिया तो भाई उसको बचाना काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे आपको किल्स काफी आसानी से मिल जाएगा। और इसी वजह से गाइस बहुत सारे बंदे फुल मैप के अंदर भी राफेल की एबिलिटी को जरूर यूज करते हैं, क्योंकि इसके एबिलिटी को यूज करने से ना भाई किल काफी आसानी से और जल्दी जल्दी मिल जाता है। अब आगे वाले कैरेक्टर्स के बारे में जानने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको अभी तक वीडियो यूजफुल लग रहा है या फिर आगे जाकर वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज गाइस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आपका इतना सा एफर्ट ना हमारे लिए काफी बड़ा मोटिवेशन होता है। तो प्लीज गाइस लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। अब राफेल के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस हमारा फोर्ड कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी OB-39 अपडेट से पहले कुछ और था, लेकिन अपडेट के बाद कुछ और हो गया। तो अपडेट से पहले ये सिर्फ आपके जोन के डैमेज को रिड्यूस करता था, लेकिन अपडेट के बाद ये आपको 30 HP प्रोवाइड करेगा, वो भी 3 सेकंड के अंदर। और फोर्ड के बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस लियोन कैरेक्टर, और उसका भी सेम काम है जो कि फोर्ड का है, मतलब वो भी HP रिकवर करता है। यहां पर लियोन 60 HP रिकवर करता है और फोर्ड सिर्फ 30 HP ही रिकवर करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो
यहाँ पर जो हमारा फोर्ड कैरेक्टर है वो आपको इंस्टेंटली 3 सेकंड के अंदर 30 HP रिकवर करके दे देगा, और वहीं पे जो हमारा लियोन है वो 4 सेकंड बाद HP रिकवर करना शुरू करेगा, लेकिन जो HP देगा वो फोर्ड से डबल देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर मैंने फोर्ड कैरेक्टर का एबिलिटी यूज कर रखा है और मेरे को डैमेज पड़ने के बाद तुरंत 3 सेकंड के अंदर 30 HP रिकवर हो गया। और वहीं पर आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लियोन कैरेक्टर यूज कर रखा है और यहाँ पर डैमेज पड़ने के 4 सेकंड बाद मेरे को HP मिलना शुरू हुआ है, लेकिन ये HP उससे ज्यादा देता है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स गाइस रैंक पुश करने के लिए काफी बढ़िया है, आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। अगर आपके एक्टिव स्लॉट के अंदर कोई भी HP रिकवर वाला कैरेक्टर नहीं है तो आपको अपने कॉम्बिनेशन के अंदर इन दोनों में से किसी एक को जरूर रखना, क्योंकि रैंक पुश करने के लिए HP रिकवर वाला कैरेक्टर काफी यूजफुल होता है, क्योंकि वहां पर आपको रैंक पुश करना होता है तो जोन के अंदर सर्वाइव भी करना पड़ता है और साथ में आपके पास मेडिकेट्स भी कम होते हैं। तो इसलिए इन दोनों सिचुएशंस को इजीली टैकल करने के लिए आपके पास फोर्ड और लियोन में से किसी एक का एबिलिटी होना चाहिए, अगर आपके एक्टिव स्लॉट के अंदर कोई HP रिकवर वाला कैरेक्टर नहीं है तो। अब ये आप डिसाइड कर लो कि आपको इन दोनों में से कौन से कैरेक्टर को अपने कॉम्बिनेशन के अंदर यूज करना है। अगर आपको इंस्टेंटली HP चाहिए तो फोर्ड को यूज करना, ज्यादा HP चाहिए तो लियोन को यूज करना। और इस काम को और आसान करने के लिए आपको बता दूं कि भाई अगर आप जोन के अंदर ज्यादा सर्वाइव करते हो तो वहां पर आप लोग फोर्ड को यूज करना, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा अटैकिंग खेलते हो तो वहां पर आप लोग लियोन को चूज करना। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है गाइस हमारा हयातो कैरेक्टर, जिसको गाइस बहुत सारे बंदे फुल मैप और CS दोनों के अंदर ही यूज करते हैं, जिसको यूज करने से अगर आपका हेल्थ कम होता है और उसके बाद आप किसी भी एनिमी को डैमेज देते हो तो उसके हेलमेट और वेस्ट के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ता है, मतलब कि इनडायरेक्टली उसके ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ता है। और साथ ही में आपके पास इलाइट हयातो भी होगा तो आपके ऊपर 3% फ्रंटल डैमेज कम पड़ेगा, मतलब कोई भी एनिमी आपको सामने से डैमेज देगा तो आपके ऊपर 3% डैमेज कम पड़ेगा। और इसके एबिलिटी को यूज करके ना भाई रशर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब भी वो रश करने जाते हैं तो वहां पर अगर एनिमी आपको डैमेज देता है तो आप उसके बाद जब एनिमी को डैमेज दोगे तो एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिससे एनिमी जल्दी खत्म हो जाएगा और आप लोग किसी भी फाइट को इजीली जीत पाओगे। और स्पेशली अगर आप लोग शॉटगन्स यूज करते हो, मतलब M1014 Mag 7 या फिर M1887 वगैरह यूज करते हो, तो आपको हयातो का एबिलिटी जरूर यूज करना चाहिए, इससे आपको किल्स भी आसानी से मिल जाएंगे और किल्स मिल जाएंगे तो रैंक भी काफी आसानी से पुश हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है ना वो है गाइस मोको, जिसको यूज करने से आप किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसका लोकेशन आपको और आपके टीममेट को दिख जाता है, जिससे कि आप या फिर आपका टीममेट एनिमी के ऊपर रश करके उसको इजीली मार सकते हैं, क्योंकि भाई उसका लोकेशन आपको पता होता है तो आपके लिए काम इजी हो जाता है। अब इसके एबिलिटी को आपको तभी यूज करना है जब आप टीम वर्क के साथ खेल रहे हो, मतलब आपको किल चोरी से कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको इसका एबिलिटी यूज करना है, क्योंकि इसके एबिलिटी को यूज करके किल चोरी होता है लेकिन भाई बेनिफिट्स भी मिलता है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई ये जो मोको का एबिलिटी है ना, इसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ और आज भी यूज कर रहा हूँ, तो ये काफी यूजफुल एबिलिटी है। अगर आप टीम वर्क के साथ खेलना चाहते हो, सीरियसली रैंक बूस्ट करना चाहते हो, तो मोको की एबिलिटी को अपने कॉम्बिनेशन के अंदर जरूर रखना। और ये जो कैरेक्टर है ना भाई, वो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर ही काफी यूजफुल और बेनिफिशियल है, और जो भी बेनिफिट्स है वो आपको बैकग्राउंड गेम प्ले से पता चल जाएगा, जिससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे यूज हो सकता है। अब मोको के बाद जो हमारा लास्ट पैसिव कैरेक्टर है वो है गाइस हमारा लुकेटा कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी को यूज करके आपका जो मैक्सिमम HP है उसको आप लोग 50 तक इंक्रीज कर सकते हो, मतलब जो आपको 200 का हेल्थ मिलता है ना उसको आप लोग 250 या फिर 280 तक कर सकते हो। और उसके लिए बस आपको 2 किल्स करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 1 किल किया तो मेरा मैक्सिमम हेल्थ कितना हो गया 225, और फिर यहाँ पर जैसे मैंने दूसरा किल कंप्लीट किया तो मेरा मैक्सिमम हेल्थ 250 हो गया। और अगर मेरे पास वेस्ट HP बूस्टर या फिर वेस्ट एनलार्जर होता तो मेरा जो मैक्सिमम हेल्थ है वो 280 का हो जाता। अब यहाँ पर गाइस ऑब्वियस सी बात है, अगर एनिमी के पास 200 का हेल्थ होगा और आपके पास 280 या फिर 250 का हेल्थ होगा तो ऑब्वियसली भाई आपके पास अपर हैंड होगा और आप लोग किसी भी फाइट को इजीली जीत पाओगे। और अगर कोई भी एनिमी आपको हेडशॉट या फिर वन टैप मारता है तो वहां पर भी आप लोग इजीली सर्वाइव कर जाओगे। और यहाँ पर आप लोग बैकग्राउंड गेम प्लेस के अंदर देख भी सकते हो कि यहाँ पर जब एनिमी मेरे को डैमेज दे रहा है तो क्योंकि मेरे पास ज्यादा हेल्थ है तो वहां पर मैं किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पा रहा हूं और फाइट को जीत भी पा रहा हूं। तो अपडेट के बाद अगर आप लोग चाहो तो अपने कॉम्बिनेशन के अंदर लुकेटा को भी शामिल कर सकते हो, ये भी एक काफी यूजफुल कॉम्बिनेशन है। और जब भी मैं सीरियसली रैंक पुश करता हूं तो मैं इस कैरेक्टर को भी कभी कभार यूज कर लेता हूं, अगर आप भी चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो। ये थे गाइस टोटल 8 पैसिव कैरेक्टर्स जिनको आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड कर सकते हो अपने गेम स्टाइल के अकॉर्डिंग, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर मैं बात करूं एक्टिव कैरेक्टर्स की, तो अपडेट के बाद मैंने सिर्फ 2 ही एक्टिव कैरेक्टर्स निकाला है जिससे आप लोग अपने रैंक को काफी इजीली पुश कर सकते हो। और इनमें से एक के साथ मैंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन वीडियो बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और एक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन वीडियो आने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा एक्टिव कैरेक्टर है वो है हमारा सेंटिनो कैरेक्टर, जिसका अपडेट के बाद एबिलिटी चेंज हुआ था और इसी को मैं अपडेट के बाद रैंक पुश करने के लिए यूज कर रहा हूं। अब देखो भाई, इसको यूज करने से ना आप एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हो। तो बेसिकली इसके एबिलिटी को यूज करने से ये एक मैनीक्विन, मतलब एक पुतला रिलीज करता है और वो जहां जहां पर जाता है वहां पर आप लोग डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर सकते हो। और इसको अगर आप लोगों ने सही से प्रैक्टिस कर लिया या फिर सही से यूज करना सीख लिया तो भाई आप लोग रैंक मैच के अंदर तबाही मचा सकते हो, मतलब आप लोग एक कवर से दूसरे कवर में सेफली मूव कर सकते हो, एनिमी के ऊपर सेफली रश कर सकते हो। और इसके साथ ही आप लोग इसका और भी तरीके से यूज कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने अपने कॉम्बिनेशन वाले वीडियो के अंदर बता रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो और इसको और बढ़िया से यूज करना सीख सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए आप लोग बैकग्राउंड
गेम प्ले से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो एबिलिटी है वो कितना यूजफुल है, और इसको अगर आप लोग एक्टिव स्लॉट के अंदर रखोगे तो बीआर रैंक के अंदर आपका रैंक काफी इजीली पुश हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहो तो एक्टिव स्लॉट के अंदर सेंटिनो को अपडेट के बाद आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कुछ ज्यादा ही सर्वाइव करते हो, मतलब जोन के अंदर बहुत देर तक बैठे रहते हो, तो वहां पर आपको सेंटिनो को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते हो तब आपको सेंटिनो को यूज करना चाहिए। तो अब सेंटिनो के बाद जो बीआर रैंक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है वो है गाइस हमारा के कैरेक्टर, जिसको बीआर रैंक के अंदर ऑलमोस्ट 80-90% बंदे अपने रैंक को पुश करने के लिए यूज करते हैं, और अगर आप भी चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो। तो इसके एबिलिटी को यूज करने से ये आपको ईपी देता है, और उसी ईपी को आप लोग एचपी में कन्वर्ट भी कर सकते हो, जो कि जोन के अंदर सर्वाइव करने में काफी यूजफुल होता है। और साथ ही में जब भी आप रश करते हो तो वहां पर भी ये काफी ज्यादा काम आता है, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड गेम प्ले के अंदर देख भी सकते हो कि जब आपको डैमेज पड़ता है तो उसके बाद अगर आप लोग के एबिलिटी को ऑन कर दोगे तो उस टाइम पे आपको एचपी भी मिलता रहेगा, और साथ में आप लोग फाइट भी कर पाओगे, तो आप लोग फाइट को इजीली जीत पाओगे क्योंकि आपको एचपी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको रैंक पुश करना है तो रैंक पुश करने के लिए सबसे बेस्ट जो एक्टिव कैरेक्टर है वो है हमारा के कैरेक्टर, जिसको भाई जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सभी बंदे यूज करते हैं, तो अगर आप भी चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। और इसके साथ जो अपडेट के बाद का बेस्ट कॉम्बिनेशन वीडियो है वो भी काफी जल्दी आने वाला है, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। सो ये है गाइस वो 10 कैरेक्टर जिसको अगर आप लोग बीआर रैंक के अंदर अपने रैंक को पुश करने के लिए यूज करोगे आफ्टर ओबी 39 अपडेट, तो भाई आपका रैंक काफी इजीली पुश हो जाएगा। अब इन्हीं में से आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर किसी भी कैरेक्टर को अपने गेम स्टाइल के अकॉर्डिंग रख सकते हो, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा और आपका रैंक काफी इजीली पुश हो जाएगा आफ्टर ओबी 39 अपडेट। तो यही था गाइस आज का ये वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज गाइस अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना हमारे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।